चुनावी रिजल्ट के साथ अब ये बात तय हो गई है कि प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार के रिजल्ट ने कई बड़े चेहरों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसमें सबसे पहला नाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का आता है, जिन्हें बीजेपी के हरिंदर सिंह से हार मिली है। अंबाला शहरी सीट से बीजेपी के असीम गोयल भी चुनाव हार चुके हैं, इन्हें कांग्रेस के निर्मल सिंह ने हराया है। पंचकुला से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता को कांग्रेस की चंद्रमोहन से हार मिली है। कलायत सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलेश ढांडा को कांग्रेस के विकास सरण से हार मिली है। कैथल से बीजेपी के उम्मीदवार लीलाराम गुज्जर को आदित्य सुरजेवाला ने हराया है। आपको बता दें कि आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस का बड़ा चेहरा रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। वहीं थानेसर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सुधा को कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने हराया है। अशोक अरोड़ा प्रदेश की राजनीति में बड़ा चेहरा है। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले इनेलो को अलविदा कहकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। अब बात लाडवा सीट की करते हैं, जो इस चुनाव में प्रदेश की सबसे हॉट सीट थी। दरअसल इस सीट से बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा नायब सैनी खुद उम्मीदवार थे, जिन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह को करारी शिकस्त दी है। इसी तरह नू सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह को कांग्रेस की आफताब अहमद से हार मिली है। रेवाड़ी सीट पर बीजेपी के लक्ष्मण यादव को जीत मिली है, इन्होंने कांग्रेस के चिरंजीव राव को शिकस्त दी है। तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर ने चुनाव जीता है। राजेश नागर ने कांग्रेस के रोहित नागर को चुनावी दंगल में परास्त कर दिया है। बल्लभगढ़ सीट पर बीजेपी के मूलचंद शर्मा को जीत मिली है। मूलचंद शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार शारदा राठौर को हराया है। तो वहीं तोशाम सीट पर इस बार बीजेपी ने श्रुति चौधरी को टिकट दिया था, जिन्होंने कांग्रेस के अनुरुत सिंह को हराया है। वहीं बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो गढ़ी सांपली किलोई सीट पर एक बार फिर से उन्हें जीत मिली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की मंजू हुड्डा को हराया है। झज्जर विधानसभा सीट पर बीजेपी के कप्तान विरधाना को हार मिली है, उन्हें कांग्रेस की गीता भुक्कल ने हराया है। आपको बता दें कि गीता भुक्कल कांग्रेस के शासन में मंत्री पद पर रह चुकी हैं। वहीं रोहतक सीट पर बीजेपी के मनीष ग्रोवर चुनाव जीत गए हैं, इन्होंने कांग्रेस के बीवी बत्रा को हराया है, जबकि रोहतक कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीट है। सिरसा सीट पर हलोपा से गोपाल कांडा को हार मिली है। इस बार सिरसा सीट पर कांग्रेस के गोकुल सेतिया चुनाव जीते हैं। वहीं मंडी डबवाली की बात करें तो जेजेपी के दिग्विजय चौटाला चुनाव हार गए हैं, इन्हें आईएनएलडी के आदित्य चौटाला ने हराया है। रतिया सीट पर बीजेपी की सुनीता दुग्गल को हार मिली है और इन्हें कांग्रेस के जर्नैल सिंह ने हराया है। इसी तरह रानिया सीट भी हॉट सीट थी। अभय चौटाला की बेटी अर्जुन सिंह चौटाला चुनाव जीत गए हैं। वहीं उचाना कला सीट पर जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को हार मिली है। यहां से बीजेपी को जीत मिली है। इसी तरह नारनौत सीट पर बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु को हार मिली है। कांग्रेस के जसवीर सिंह ने नारनौत से जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला भी चुनाव हार गए हैं। जाहिर है इस बार के चुनावी रिजल्ट ने कई दिग्गजों को चौंका दिया है और प्रदेश में पहली बार कोई सरकार तीसरी बार बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।